नमस्कार, आइए इस जन्मपत्री के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये एक 25 वर्षीय युवक हैं जिनकी जन्म की राशि भी वृश्चिक है, जन्म का लग्न भी वृश्चिक है, यानी चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है और चंद्रमा नीच के हैं। साथ ही साथ कुंडली में मंगल भी नीच का है। दो नीच के ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। लग्नेश नवम में शास्त्र कहता व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्येश लग्न में शास्त्र कहता व्यक्ति भाग्यशाली है, लेकिन ये दोनों ग्रह नीच के हैं। यदि आप भाग्य की बात करें तो ये भाग्य बनता है आपके घर से। घर से जब भाग्य बने, यानी जब तक घर वाले साथ हैं तब तक व्यक्ति भाग्यशाली, जब व्यक्ति स्वयं का भाग्य बनाने चले तब वो व्यक्ति भाग्यशाली नहीं, तब उसको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि नीच के ग्रह जीवन में ग्राउंड से शुरू कराते हैं, बहुत अधिक मेहनत कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वरीय आशीर्वाद, घर वालों का साथ ऐसे लोगों को मिलता रहता है। तो जहाँ ग्रह नीच के हैं वहाँ ग्रह अच्छे स्थान में भी बैठे हैं। इस कुंडली के अंदर एक समस्या है। 0 डिग्री 48 मिनट का समय है। अगर इनका जन्म 7 बज के 29 मिनट पे होता है तो कुंडली कुछ और होती है, और 7 बज के 33 मिनट का समय आपने दिया है तो 0 डिग्री 48 मिनट्स का लगन, ऐसा लगन संधि में पड़ा हुआ लगन होता है। आप ये समझ लिए 30 डिग्री का एक लगन है, संधि में पड़ा हुआ है, 1 डिग्री से कम है। जब लगन के अंदर डिग्री कमज़ोर है, लगन में जान नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इसका बहुत प्रकाश डलता है। व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, व्यक्ति कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है, डिप्रेस रहता है, परेशानी उसको रहती है, संघर्ष उसको रहता है, डिसाइड नहीं कर पाता है कि करना क्या है। साथ ही साथ आप देखिए, लगन का मालिश मालिक नीच का होके मंगल नवम भाव में है। नीच का ग्रह अगर मंगल हो और वो भी कर्क राशि में नीच का, तो व्यक्ति में उत्तेजनाएं भरता है, जोश भरता है, लेकिन वो जोश ज़्यादा समय तक चलता नहीं। लगन में नीच का चंद्रमा भी है, तो नीच का प्लेनेट चंद्रमा जो कि मन का मालिक है वही अपने आप में ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो इस हॉरोस्कोप का असली आधार यहाँ दिखाई दे रहा है। शनि जो कि एक मैलेफिक प्लेनेट है वो भी चंद्रमा को ही दृष्टि देता है, यानी चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है। अब बात करेंगे चौथे घर के शनि की। शनि को देखिए आप, तीसरे चौथे घर का मालिक होकर चौथे ही घर में है। चौथा घर का मालिक जब चौथे घर में हो तो व्यक्ति संपन्नता में पैदा हुआ है, जमीन जायदाद वाहन सुख उसको मिलेगा, स्वयं का घर का सुख उसको मिलेगा, स्वयं की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, माँ बाप उसको जरूर कोई ना कोई मकान या प्रॉपर्टी उसके नाम में कर देंगे, यानी मकान से संबंधित सुख। अब इस कुंडली का सारा सार द्वादश भाव में है। 12वां घर दूर स्थान, यात्रा, विदेश यात्रा, दूर जाके पढ़ना, दूर जाके रहना, विदेश में जाकर सेटल होना, इन सब के लिए जाना जाता है। लेकिन 12th हाउस अधिक खर्च के लिए भी जाना जाता है। किसी चीज़ का खर्च हो जाना, अत्यधिक व्यय हो जाना, कोई भी एफर्ट्स किए हैं उसका खराब हो जाना, उसके लिए भी जाना जाता है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे प्लेनेट को लेकर चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले बृहस्पति 12वें घर में शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में। द्वितीयेश और पंचमेश होके 12वें घर में है। धन का मालिक व्यय स्थान में बैठा है, यानी धन का अधिक खर्च होना। वो खर्च पढ़ाई के लिए भी दिखता है, वो खर्च घर से दूर जाकर स्टडी करने पर भी दिखता है। पंचमेश अपने से अष्टम में बैठा है, यानी एजुकेशन भी को भी अगर देखेंगे तो कोई बहुत बढ़िया एजुकेशन का इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। दूसरा प्लेनेट है राहु। राहु यहाँ शुक्र की राशि में है, राहु को शुक्र की राशि में बैठना पसंद है। अब अगर प्लेनेट 12वें घर में हो और शुक्र भी साथ में हो तो मौज मस्ती में ध्यान जाता है, बाह्य चीज़ों पर ध्यान जाता है, भौतिक स्थितियों पर ध्यान बराबर रहता है, लेकिन जब बात सीरियस होने की करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। नीच का मंगल भी चौथी दृष्टि से 12वें घर को ही देखता है। दशम स्थान का मालिक और लाभ स्थान का मालिक, धन स्थान का मालिक, शिक्षा स्थान का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, ये सारे 12वें घर में, यानी कर्म घर से दूर, लाभ घर से दूर, एजुकेशन घर से दूर, धन प्राप्ति घर से दूर, यानी इस व्यक्ति को जीवन में जगह तो छोड़नी पड़ेगी। जब तक ये व्यक्ति जन्म स्थली को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएगा तो तरक्की प्राप्त नहीं करेगा। तो पहला तो इसमें एक योग है कि जन्म स्थान तो छोड़कर दूसरी जगह जाए तो तरक्की प्राप्त करे।
12वें में शुक्र बैठा है, ऐशो आराम की जीवन में कमी नहीं रहेगी, किसी न किसी प्रकार से साधन जुटे हुए रहेंगे। लेकिन जब साथ में 0 डिग्री का बुध हो, तो बुध को बुद्धिमता के लिए जाना गया है। कहाँ, किस समय, कितना पैसा खर्च करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को लेके करना क्या है, उस चीज़ की समझदारी व्यक्ति में बड़ी देरी से आती है। क्योंकि गुरु और राहु भी एक साथ हैं, देखिए आप, तो ये अपने आप में एक गुरु चांडाल योग कहलाता है। तो ये सिचुएशंस थोड़ा ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिए। पहले तो लग्न 0 डिग्री, उसके ऊपर लग्न का मालिक नीच का, लग्न में नीच का चंद्रमा, ग्रह 12वें घर में, तो सिचुएशंस तो लग्न से ही बिगड़ गई। और आपने इस पे लिखा है फ्यूचर चिंता बहुत है, कब सेटल होगा, कन्फ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर आती हैं। मंगल का लग्न हो और मंगल नीच का हो, तो थोड़ा स्वभाव में अड़ियल भी होता है, जिसके कारण माँ बाप ये सोचते हैं पता नहीं नहीं जीवन में हमारे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा। जैसा आपने कहा कि माँ बाप की सेवा करेगा या नहीं, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं देखिए दशाओं पे। अभी अब मैं दशा पे फोकस अगर आपका डालूँ, तो ये देखिए दशा चल रही है शुक्र की। मंगल के लगन के लिए शुक्र को शत्रु कहा गया, और शत्रु ग्रह की दशा चल रही है। शुक्र सप्तमेश होके द्वादश में, द्वादश भाव में, यानी घर से दूरी तो दिख गई, द्वादश भाव अति खर्च अपव्यय फिजूल खर्च के लिए जाना जाता है, उसी की दशा चल रही है। और दशा चल कब से रही है, दशा चल रही है 2008 से। 8 का मतलब हो गया 6 और 10 और 8 18, जीवन के लगभग लगभग, और काफ़ी समय इनको चलते चलते यहाँ हो गया है। शुक्र की महादशा तो अभी लगभग 2008 से लेकर 2019 तक तो आई गई, 11 साल तो शुक्र की दशा को ही हो गई। शुक्र पंचमेश के साथ है, तो सब चीज़ दूरी से दिखती है। लेकिन क्या ये दूरी बहुत बेहतर दिखती है? मेरे हिसाब से शुक्र की दशा भी बहुत अच्छा परिणाम देने वाली दशा नहीं है। इस दौरान यदि आप एजुकेशन करते हैं, उम्र हो गई है आपकी 25 वर्ष, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत अच्छा यहाँ नहीं कहूँगा। आप नवांश कुंडली में देखिएगा, शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र, फिर से किसी ना किसी प्रकार की लापरवाही है, या कह सकते हैं कि मैच्योरिटी नहीं होना, सीरियस नहीं होना काम के लिए, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। और आपको इनकी फ्यूचर को लेकर चिंता है। शुक्र की महादशा है भी अभी बहुत बड़ी, 2027 तक है। इस कुंडली में दशम का मालिक, धन का मालिक, यहाँ का मालिक, और ये एक चीज़ तो इसमें कन्फर्म है कि ऐसे लोगों को, घर वालों को अपने साथ लगा लेना चाहिए। अगर कुटुंब के अंदर कोई भी काम होता हो, कोई भी व्यवसाय होता हो, तो उसमें इनको काम में लगा लेना चाहिए। क्योंकि इनको यदि कोई स्वतंत्र व्यवसाय इनके हाथ में दे दिया पैसा लगा के, तो निश्चित है वो पैसा वहाँ डूब जाएगा। घर वाले इन्हें अपने साथ लगाएं, धीरे 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 करके ये समझ पाएंगे ज़िंदगी को, और थोड़ा आगे यहाँ चल पाएंगे। क्योंकि कैरियर को लेके चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी देखिए शुक्र में बृहस्पति चल रहा है, बृहस्पति भी 12वें घर में है, बृहस्पति के बाद आएगा इनको शनि। शनि की स्थितियाँ कुछ ठीक हैं। अब देखिए नवंबर 2020 तो इनका ऐसा ही जाना है, कोई ज़्यादा बेहतर मैं इसको नहीं कह सकता। हाँ, बृहस्पति दशमांश में लग्न में उच्च के होके बैठे हैं, तो किसी बड़े की बात मान के, किसी बड़े की समझदारी के तौर पे ये यहाँ कुछ काम कर सकते हैं, और उस काम से इनका आगे जीवन ठीक चलेगा। मैं कहता हूँ 2020 के बाद इनके जीवन में स्टेप बाय स्टेप अच्छी स्थितियाँ आएंगी। शुक्र में शनि आएगी इनको, नवंबर 20 से जनवरी 24, शनि नवांश में दशम सप्तम भाव में स्वग्रही होके मंगल के साथ है, यानी ये समय एक शादी का समय है। यानी जनवरी 24 से, सॉरी, नवंबर 20 से जनवरी 24 तक शुक्र में शनि की दशा इनको जीवन में विवाह की स्थिति देगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो देखिए पत्नी तो बहुत समझदार आने वाली है, लेकिन बात है ये कितने समझदार होंगे, इनकी समझदारी पर थोड़ा सा संदेह है। तो उसमें थोड़ा सा इनको यही देखना पड़ेगा कि भाई ये कुंडली मिलान करा के इनका विवाह करें, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या माँ बाप की सेवा करेगा? हाँ, ये व्यक्ति माँ बाप की सेवा करेगा, लेकिन अभी जो स्थितियाँ आपको दिख रही हैं उसके हिसाब से लगता होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बड़े होंगे, थोड़े इनके अंदर सीरियसनेस आती चली जाएगी। क्या ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएगा? इनको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। पूरी शुक्र की दशा इनकी यहीं जानी है, बहुत कुछ सीखना है अभी, ने कम से कम 8 वर्ष जीवन के, उसके बाद ही इन्हें जीवन में कुछ सीरियसनेस आएगी,
तब मैं कह सकता हूँ कि सूर्य की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, वो इनके जीवन में एक तरक्की देने वाली दशा होगी। तो फ्यूचर के लिए चिंताग्रस्त हॉरोस्कोप है ये, चिंता इस हॉरोस्कोप में साफ तौर पर दर्शित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब बहुत सारे ग्रह शुक्र की राशि में बैठें तुला राशि में, और लगभग लगभग सभी मेन ग्रह कर्म भाव, बुद्धि भाव, लाभ भाव, धन भाव, सभी के प्लैनेट वहाँ बैठे, तो व्यक्ति को शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र मजबूती के लिए शास्त्र कहता है देवी माँ की आराधना करनी चाहिए। तो देवी माँ की आराधना एक नॉर्मल बच्चा कैसे कर सकता है? शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर जाना शुरू कर दे, प्रसाद चढ़ाए, सफ़ेद रंग का बर्फी का प्रसाद चढ़ाए, किसी भी माता मंदिर में जाए, अपने माता, बुआ, मौसी, बहन, इन सब की सेवा करे, इनका सम्मान करे, माता के चरण छुए, सुबह उठे सबसे पहले माता पिता के चरण छुए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स इनको मिलेगी। साथ ही साथ शुक्र के लिए ये भी कहा गया है कि आप दुर्गा माता की पूजा कीजिए, जैसे दुर्गा चालीसा है, तो दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, शुक्रवार को मंदिर जा सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप चाहें तो मंदिर में जाकर लोगों को खीर का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, खीर का प्रसाद मंदिर में चढ़ाइए, और वहाँ स्थित अगर लोग बाग हैं तो उनको खीर का प्रसाद खिलाइए, ये बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। साथ ही साथ इनको एक, अभी जो फ़िलहाल में मैं एडवाइस देना चाहूँगा, इनको एक मूंगा पहन लेना चाहिए, मूंगा रतन पहनने से इनको लाभ मिलेगा। तो सिर्फ मूंगा ही रतन इनके लिए एकमात्र ऐसा रतन है जो इनके लिए एक सुटेबल स्टोन होगा। बाकी अभी की स्थितियाँ और आगे में स्थितियों तक बात करें, 2020 तक तो पूरी चिंता इस हॉरोस्कोप में है, लेकिन 20 के बाद जब इनको बृहस्पति में, शुक्र में शनि की दशा शुरू होगी, ये स्थितियाँ ऐसी होंगी कि इनके अंदर धीरे 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 करके सुधार आएगा। ये व्यक्ति किसी की स्वतंत्र रूप से नौकरी नहीं कर पाएगा, ज़्यादा समय तक ये लोग कहीं टिकाऊपन पर काम नहीं कर सकते, इनको फाइनली बिजनेस में आना पड़ेगा, और वो बिजनेस की स्थिति घर वालों से संबंधित होगी। इनके पिता को, इनके घर वालों को अपने साथ इनको लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि जब ये इनको साथ में लगाकर काम करेंगे तभी इनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए व्यक्ति को इस धीरे धीरे से चलाना चाहिए, उसको परिस्थितियों को समझाना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से चिंता तो इस कुंडली में दिखती है। लेकिन हाँ, कुछ शादी हो जाने के बाद इनकी स्थितियाँ सुधरेंगी, कुछ धीरे धीरे करके इनके इनके मैच्योरिटी आएगी, तो सेटलमेंट में अभी तो समय है, मैं समझता हूँ कम से कम 2-3 साल का समय है सेटलमेंट में, लेकिन हाँ सेटल तो ये हो जाएगा। जो कन्फ्यूज़न है, जो डिप्रेशन है, वो सब भी इनका, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो दुर्गा उपाय, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ें, शुक्रवार को मंदिर जाए, हर शुक्रवार को घर से खीर बनवा के ले जाओ, दोने पत्तल ले जाओ, और वहाँ स्थित लोग बाग हैं तो उनको खीर खिलाओ, गरीबों को खीर खिलाओ, इनके लिए बहुत बढ़िया और उत्तम उपाय है। और अपनी माता की सेवा करें, रोज सुबह को माता के चरण छुए, माता के पैर दबाए, क्योंकि माता का मतलब अगर माता रानी है तो घर में स्थित माताएं भी हैं, तो उनका भी सम्मान करें, तो ही व्यक्ति को ब्लेसिंग्स मिलेगी, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो ये इस हॉरोस्कोप का एनालिसिस है, अभी हॉरोस्कोप में देखा जाए तो बहुत अच्छी तरक्की के चांस नहीं दिखते हैं, मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्ष का वेट करना पड़ेगा, तभी इस व्यक्ति के जीवन में कुछ तरक्की की स्थितियाँ आएंगी। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, और आपने जो इनसे संबंधित सवाल पूछे उसके बारे में मैंने इनको जानकारी दी है। इनको ये वीडियो खुद सुनना चाहिए, खुद समझना चाहिए, और जो चीज़ मैंने उनको बताई फॉलो करेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे। नमस्कार।